अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ रिजवान और आज हम बनाने जा रहे हैं जी बीफ शोल्डर। पूरा बीफ शोल्डर हम दमपोख करने जा रहे हैं, तो ये रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं, आए दिखाते हैं आपको कैसे बनता है। अच्छा, ये हम उतारने लगे हैं जी शोल्डर। ये जानवर की ये वाइल्ड हड्डी का जोड़ होता है, जो हड्डी के साथ नहीं बल्कि गोश्त के साथ जुड़ा होता है। अच्छा जी, ये आ गया जी हमारा शोल्डर, इसको हम ये कट लगाएंगे इस तरह। ये हम लगा रहे हैं जी शोल्डर को, इसको कट लगा रहे हैं। जोर इसका थोड़ा काटेंगे, अच्छा जी। इसमें हम डालेंगे जी नमक, इसको डालेंगे कचरी पाउडर ताकि ये जल्दी करे। ये आ गया जी हमारा नमक और कचरी पाउडर। अच्छा, ये हम इसमें डालेंगे जी बारबेक्यू सॉस। अच्छा, ये हम इसमें डालेंगे ये थोड़ा कुकिंग। अच्छा जी, ये हम इसमें जी थोड़ा दुम्बे की जो चर्बी है ये स्टफ करेंगे। अच्छा जी, ये चर्बी हो गई है स्टफ, अभी हम इसकी साइड चेंज करेंगे और इस साइड पे भी चर्बी को स्टफ कर लेना है। जी तो ये शोल्डर अभी हम रखेंगे जिस ग्रिल पे। अच्छा जी, अब हम इसको करेंगे जी कवर, इसके साइडों में हम मारेंगे मिट्टी। ये मिट्टी हमारी हो गई है साइडों से, हमने इसको कवर कर दिया, तो उसको तकरीबन हम 3 घंटे तक इधर इसको दबा के रखेंगे खड्डे में, उसके बाद इसको हम निकाल देंगे। अच्छा, ये ऊपर हम इसका थोड़ा कोयला लकड़ी वाला रखेंगे ताकि इसको ऊपर से भी सही हीट पहुंचे। अच्छा जी, घी हमारा गरम हो गया, तो 3.5 kg हमारे राइस है और 1/2 kg हमारा घी है, जिसमें हम 1/2 kg प्याज डालेंगे।
प्याज हमने फुल ब्राउन नहीं करने, आखिर से सोते करने। अच्छा जी, इसमें हम डालेंगे जीरा एक चम्मच और काली मिर्च साबुत एक चम्मच, मिक्स करेंगे। तो सारे हम इसमें डालेंगे सब्ज मिर्च, अच्छा ये तो हम भी इसमें पैन पे डालेंगे। तो मिक्स कर लेंगे। अच्छा ये थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे ये हरके गुलाब, तो मिक्स करेंगे। तो ये अब हम इसमें डालेंगे पानी, 3.5 kg हमारे राइस है तो 1.25 के हिसाब से हमें डालना है पानी। अच्छा ये पानी हमने डाल दिया है, तो अभी हम इसमें डाल रहे हैं नमक हसब जायका, 1.25 के हिसाब से हमने पानी डाला है। बासमती राइस हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें नीम गर्म पानी में हमने भिगो है राइस। अच्छा जी ये पानी हमारा होगा बॉयल, इसमें हम डालेंगे चावल। अच्छा जी ये चावल हम करेंगे मिक्स। अच्छा जी थोड़ा सा पानी हम इसको और ड्राई करेंगे, तो उसके बाद हम इसको देंगे दम। अच्छा जी अब हम इसको देंगे दम। अच्छा जी आग हम इसकी कर लेंगे स्लो। अच्छा आधा घंटा हम इसको दम पे रखेंगे, उसके बाद इनका दम खोलेंगे चावलों में। अच्छा जी ये 15 मिनट हो गए दम को, तो उसको अभी हम कलर लगाएंगे, उसके बाद हम 15 मिनट और इसको दम देंगे। ये आ गया जी हमारा बिरयानी का कलर। अब इसको हम 15 मिनट के लिए दम पे रखेंगे, उसके बाद इसका दम खोलेंगे।